थाना मंजुलापुरी पर अवैध रूप से बाजार लगाने का आरोप लगाते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। मंजुला पुलिस पर आरोप लगाते हुए जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेह ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि थाना मंजुला अंतर्गत गागन चौराहे पर गुरुवार को पुलिस की मदद से मौजूदा ठेकेदार अवैध रूप से बाजार लगवाते हैं तथा बाकायदा प्रत्येक फड़ वाले को 150 या 200 की रसीद काट कर दी जाती है। कोई दुकानदार या ग्राहक पैसे वसूलने का विरोध करता है तो कहता है कि नगर मजिस्ट्रेट से बाजार लगवाने की परमिशन ले रखी है, कभी कहता है कि एडीएम प्रशासन से परमिशन ले रखी है, जबकि एक शासनादेश अनुसार स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में बाजार नहीं लगवाया जा सकता, ना ही यह बाजारी वसूल की जा सकती है। ज्ञापन के माध्यम से उक्त ठेकेदार व पुलिस की मिलीभगत के तहत वहां पर बाजार लगाया जाता है। ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना यह मांग करती है कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में मंजू राठौर, राम अवतार सागर, विजय सिंह, प्रमोद सागर, ओम प्रकाश सैनी, जमुना देवी, साधना राजबाला आदि लोग मौजूद थे। आज शिव सैनिक सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, एडीएम प्रशासन महोदय, नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उनको प्रेषित ज्ञापन में गांगन का अवैध बाजार तत्काल हटवाने की मांग करते हैं। यार रूपी संतोष दयाल नामक व्यक्ति बृहस्पतिवार को गांगन पर अवैध बाजार लगवाता है। 300-400 व्यक्तियों का अवैध फल बाजार लगवाता है और कहता है कि मैंने एडीएम प्रशासन से, नगर आयुक्त महोदय से, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से परमिशन ले रखी है, जबकि परमिशन उसके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। 150-200 रुपए की रसीद काट कर देता है वो नहीं है। ये संतोष दयाल नामक व्यक्ति है जो अवैध फड़ बाजार लगवाता है। पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस इसमें मिली हुई है, पुलिस की छांटगांठ है, उस पर किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। शासनादेश विगत सरकार का शासनादेश है कि स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में बाजार नहीं लग सकता और तय बाजारी पिछली सरकार में ही खत्म कर दी गई। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है, कौन सी पुलिस इसमें लिप्त है? मंजुला थाना क्षेत्र का मामला है, मंजुला पुलिस लिप्त है। बाजार के कारण जाम लग जाता है, अतिक्रमण होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। पर्ची का क्या मामला है जी? पर्ची का क्या मामला है? पर्ची किस तरह की क्या है? बाकायदा पर्ची काट कर देता है, 150 रुपये की, 200 रुपये की, 250 रुपये की। कौन काटता है पर्ची? संतोष दयाल नामक व्यक्ति काटता है। पर्ची छलंगन है, ज्ञापन में पर्ची छलंगन है। किसको देंगे ज्ञापन? ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को देंगे, एडीएम प्रशासन को देंगे और नगर आयुक्त को देंगे। वो इन्हीं पर आरोप लगाता है कि इनसे मैंने परमिशन ले रखी है। आज हम पूछेंगे इन अधिकारियों से कि आपने अगर परमिशन ले रखी है तो हमें दिखाइए। किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे? हम बाजार तत्काल हटवाने की मांग करते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हैं। नहीं हटता है तो हम कमिश्नर साहब को अगले हफ्ते ज्ञापन देंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।